उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक बार फिर से शिवपाल यादव ने अपने जीत का डंका बजा दिया है और उन्होंने कहा कि जीत हमारी पक्की है। वो दूसरे नंबर पर बीजेपी है, उनका मानना है कि वहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है और उन्होंने कहा कि जो हमारे तीसरे नंबर पर हैं हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जीत पक्की है। वहीं पर कहा कि नेताजी के कहने पर अपर्णा यादव को टिकट नहीं दी गई, अगर हम कह देते तो उनको 10 टिकट दे देते। उनके साथ आए हुए प्रोफेसर अनिल यादव, जसराना विधानसभा के अध्यक्ष प्रदेश प्रवेश यादव व डॉक्टर दीपक यादव ने सभा को संबोधित किया। साथ ही जसराना विधानसभा में घाघो खुर्द में रामलखन यादव, दादा भैया बच्चों सिंह तथा यादव डॉक्टर बलवीर सिंह, राकेश यादव आदि लोग इस मौके पर मौजूद रहे। में सर, इस तरीके का आपको बहुत बड़ा झटका लगा है कि समाजवादी प्रगति समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सपा में पहुंचे, ऐसी क्या सब कमियां रही? अच्छा, कमियां तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जी। कुछ लोग तो संघर्ष करते हैं हमेशा जी। और बड़ा यादव ने कह दिया था सोते हुए शेर को मत जगाइए, शेर शिवपाल सिंह को कहा था, अखिलेश ने टिकट नहीं दी। देना चाहिए था अगर नेताजी ने कहा था। नेताजी हाँ, तो एक सीट मैंने छोड़ी है नेताजी के लिए। नेताजी को जिताएंगे, समर्थन करेंगे, वोट भी दिलवाएंगे और शेष सीटों पर हम लड़ ही रहे हैं और शेष सीटों पर तो कहने पहले तो विकास और फिर आजाद गाँव में पानी अच्छा नहीं है, खारा पानी है, कड़ुआ पानी है, तो पानी से लेकर के विकास और किसानों के चौकीदार नहीं बनना चाहते, हम जनता के सेवक बन के काम करें। 19 में कौन होगा सेवक? देखिए, 19 में हम चाहते हैं, हमारी नई पार्टी है, हमारे बिना कोई भी सरकार न बने। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी सबके हैं, तो उन्होंने क्या आपके भी नेताजी हैं? पहला वोट ऑफ साइकिल कोई लागत का तोड़ना तो ये सब समस्याएं हैं जनता की, तो इनकी जनता की समस्याएं दूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तय किया है कि चौकीदार क्या सकता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।